हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल, इट्स शिफाली हियर। सो आज का टॉपिक होने वाला है कि बेस्ट स्किन केयर टिप्स। तो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन केयर रूटीन, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है जो हमारा फेस हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें एक आइडेंटिफाई कराता है। तो सबसे पहले हम आज इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपना फेस, अपना केयर रूटीन अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना स्किन केयर टाइप नहीं पता होगा और आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लोगे तो आपकी स्किन पे तो कोई कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि आपकी ऑयली भी है और ड्राई भी है, और आप कोई भी आप उसमें से कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और आपका फेस फिर इससे आपको ही नुकसान है। तो आपको सबसे पहले अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए। स्किन टाइप में आपका नॉर्मल स्किन हो गया, ड्राई स्किन हो गया और ऑयली स्किन हो गया, और कॉम्बिनेशन जिसमें कि बोथ आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि आप अपनी स्किन को कैसे आइडेंटिफाई नहीं अपनी स्किन को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको उसको पैड से ड्राई करना है या टॉवल से। उसके बाद आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना, कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम, कुछ भी नहीं, नथिंग, आपको कुछ भी नहीं उसमें अप्लाई करना है। एक घंटे बाद आप मिरर में जाके देखो कि अगर आपका नोज़ के पास और चीक्स पे और चिन में अगर आपका बहुत ज़्यादा शाइनी हो रहा है तो, और आपका हल्का सा ड्राइनेस भी आपको लग रहा है, मतलब इची सा लग रहा है फेस और थोड़ा आपको खिंचाव सा महसूस हो रहा है, तो वो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। इट मींस कि आपको ड्राइनेस भी है और आपको साथ में ऑयली भी है। अब सेकंड आता है आपका कि ड्राई, अगर आपको फेस में बहुत स्ट्रेचनेस फील हो रही है और आपको ड्राई लग रहा है, खिंचाव सा हो रहा है, तो वो आपकी ड्राई स्किन है। और ऑयली स्किन में आपकी नोज़ के पास, चिक्स के पास, फोरहेड के पास वो शाइन करेगा, तो ये आपकी ऑयली स्किन हो गई। तो ये सारे आपके टाइप्स हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। हम इतने एड्स आते हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हम उसको यूज़ कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी स्किन को कितना ख़राब कर रहे हैं। तो हमें कुछ भी यूज़ करने से पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, उसके बारे में आप थोड़ी सी स्टडी करो कि इसमें क्या क्या है और इसके हार्मफुल्स क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का पता होगा तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उसको खूबसूरत और अच्छा रख सकते हैं और शाइनी रख सकते हैं। अब सेकंड आता है कि कोई भी आपकी अगर स्किन, आपको अपना स्किन टाइप पता चल गया, सेकंड है आपका फेस वॉश। फेस वॉश आप कोई भी ले, आप अपनी स्किन के हिसाब से लीजिए और कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ करिए। कोई इतना केमिकल वाला यूज़ मत करिए, क्योंकि केमिकल्स तो हर किसी में होता है। अगर आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट उठा लोगे तो आपकी स्किन पे क्या रिएक्शन होगा, फिर वो हमें ही सफ़र करना पड़ता है। तो कोई जितना आप कोशिश करो उतना लाइट से लाइट आप अपना फेस वॉश यूज़ करिए, जो बिल्कुल माइल्ड हो, माइल्ड क्लींजिंग हो आपके फेस पे और वो आपके लिए सही रहे। थर्ड है आपको कि आपको मस्ट है कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इंडोर में हो या आउटडोर में हो, बोथ, क्योंकि अल्ट्रा वॉयलेट रेज आपके लिए बहुत हार्मफुल है और ये आगे जाके तक कैंसर तक बन सकता है और इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका मस्ट है सनस्क्रीन लगाएं आप, जिसमें SPF हो 30 मैक्सिमम, जो ऑल स्किन टाइप है। तो आप अपना सनस्क्रीन भी अप्लाई करिए, और सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी अल्ट्रा वॉयलेट रेज आपको हार्मफुल नहीं करेगी आपके स्किन को, ठीक है। तो आपका फिर थर्ड आता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट, आप कम से कम मेकअप यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप कम से कम मेकअप यूज़ करेंगे, जितना आप नेचुरली दिखोगे उतना ही अच्छे लगोगे, क्योंकि उन सब में कितना केमिकल्स होता है। चलो ठीक है, हम अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो इट्स ओके, हम ओकेजनली कर सकते हैं, बट रेगुलर बेस में अगर आपको मेकअप करना है तो आप ना सिर्फ काजल ले सकते हैं, कोई भी लिप
काम ले सकते हैं जो कि बहुत लाइट हो, और आपको ज़रूरी नहीं कि आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन लगा रहे हैं और कंसीलर लगा रहे हैं, फुल मेकअप करके जा रहे हैं, तो जितना हो सके आप उतना सिंपल रहेंगे तो उतना ही बेस्ट लगेंगे, क्योंकि मेकअप तो सभी करते हैं। अगर आप मेकअप नहीं करोगे और अपनी नेचुरल ब्यूटी दिखाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो नेचुरल ब्यूटी इज़ योर नेचुरल ब्यूटी। तो फोर्थ आता है आपको कि आपका सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमली नहीं सोते हो, रात को आपकी आदत नहीं है सोने की, और आपको लेट नाइट में आदत जागने की है, तो उसकी वजह से भी आपके स्किन पे अफेक्ट करता है और आईज़ पे भी अफेक्ट करता है। तो आपको टाइमली सोना है। कोशिश करें कि आप 7 to 8 आवर्स अपनी नींद को कंप्लीट करें, और आपको अपना स्किन केयर रूटीन बनाना है कि आपको मिनिमम 2 दिन में 2 बार फेस वॉश करना चाहिए। आप 3 चीज़ अप्लाई करो, आप बेसिक से शुरू करो। सबसे पहले आपको अपना क्लींजिंग फेस वॉश चूज़ करना है। सेकंड आपका मॉइस्चराइज़र हो गया। आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ पॉन्स का। पॉन्स का बहुत लाइट मॉइस्चराइज़र है, वो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। जितना वो मैं भी यूज़ करती हूँ तो वो मुझे भी अच्छा लगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और थर्ड आपका आपकी सनस्क्रीन हो गई। तो ये 3 चीज़ें तो आप यूज़ करिए ही, क्योंकि आपकी ये 3 मिनिमम है, बेसिक है, जो आप अपनी स्किन में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा, और मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और जैसे कि आपको कोई भी रिएक्शन होने के कम से कम चांसेस है। और आप पानी का इंटेक अगर कम लेते हैं तो आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लीजिए। अगर आपको एक ग्लो, नेचुरल ग्लो चाहिए, तो आप सुबह उठ के खाली पेट 1 ग्लास से शुरू कर सकते हैं, और फिर आप 1 वीक के बाद 2 ग्लास से शुरू कर सकते हैं। वो आपको निहार मुँह खाली पेट पीना है। नॉर्मल पानी पीजिए, गर्म करके मत पीजिए, सिर्फ नॉर्मल पानी पीजिए। और आपको पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। अगर आप ये शुरू करते हैं तो आपकी स्किन से जितने टॉक्सिन्स हैं और जितनी भी डर्ट है वो सब यूरिन के थ्रू निकल जाती है, और आपका फेस उतना ही नेचुरली ग्रो करेगा। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा मेथड है। तो आप पानी जितना अच्छे से पी सकते हैं उतने अच्छे से पीजिए, और अपनी स्किन को कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करिए। कुछ भी अगर जैसे कि आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप उसमें हार्श, जैसे नींबू बहुत ज़्यादा हार्श, मतलब सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत वो सही नहीं है, तो आप वो यूज़ मत करिए। और आप अपनी डाइट भी अच्छी करिए। अगर आप अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाओ, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, अपनी डाइट को और अच्छा करो। जितना ज़्यादा हो सकता है आप लिक्विड लो, जूस लो, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सब चीज़ें आप ऐड करिए, तो आपकी नेचुरली स्किन इतनी अच्छी लगेगी कि आपको भी आप ये ट्राई कर सकते हो। क्योंकि जितना नेचुरल रहोगे ना आप, उतना ही लाइफ में अच्छा है। अगर हम एक्सपेरिमेंट चीज़ें करते रहेंगे वो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, वो परमानेंट नहीं होती। और जितना नेचुरली आप करोगे ना ये सब चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप ये सब चीज़ें अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। जो आपका है वो तो आप करिए ही, और ये सब आप करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, उसके बारे में स्टडी करनी है कि मैं अपने फेस पे ऐसे ही नहीं लगा लूँ। और अगर आप कुछ भी बाहर से लेके आते हैं तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करिए। जैसे कि कई बार होता है कि शॉपकीपर्स नहीं देख पाते, क्योंकि उनके पास बहुत मैक्सिमम अमाउंट में सामान होता है, तो वो हमें प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तो हमें अपनी एक्सपायरी डेट्स भी चेक करनी चाहिए, जैसे कि फेस वॉश की, या फिर अपनी मॉइस्चराइजर, या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। अब आपने अपने लिप्स को भी ठीक रखना है, इसमें आपका लिप्स का भी आता है। लिप्स को आप हमेशा मॉइस्ट करके रखिए। आप रात में वैसलीन लगा के सो सकते हैं अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं। वैसे आप बाहर जाते हैं तो मोस्टली लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी अच्छी कंपनी की यूज़ करिए, क्योंकि लिपस्टिक अगर आप ऐसी नॉर्मली ले रहे हैं तो वो सही नहीं है। आप कोई भी कंपनी की यूज़ करिए, कोई भी कंपनी जो आपको अच्छी लगती है उसका शेड आप यूज़ करिए। कम से कम लिपस्टिक यूज़ करिए, क्योंकि उससे भी लिप्स ख़राब होते हैं। आप नेचुरल लिप बाम ले सकते हो, लिप बाम यूज़ करो, जिसमें कि आपका उसमें भी आपका कोशिश करो कि उसमें भी आपकी सनस्क्रीन हो SPF वाली, तो वो बहुत अच्छी रहती है। और जितना अगर आपके ड्राई हैं तो वैसलीन, आप पेट्रोलियम जेली बेस्ट है। आप रात में लगा के सोइए और आपके लिप्स
उतने ही नेचुरली लगेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे लिपस्टिक को, आपके लिप्स उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप नॉर्मली कोई भी हल्का सा जो भी लिप बाम है, हल्का सा शेड जो कि आपको नेचुरल पिगमेंटेशन दे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप अपने अच्छी डाइट लीजिए, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है पहले ही। तो ये सारी चीज़ें थी, और आप अपने ये सब फॉलो कर सकते हो रूटीन में, और जितना कोशिश करें उतना मेकअप अवॉइड करिए। बाकी और आपको भी, आप जो यूज़ करते हो बाकी उसको ध्यान से उसके बारे में पढ़िए, स्टडी करिए कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा फेस बहुत नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है। कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आपको बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप पार्लर में भी जाते हैं तो वो सब बेसिक चीज़ें कराइए, बट फिर भी कुछ भी ऐसे हार्मफुल चीज़ें नहीं करानी जिससे कि आपका फेस ख़राब हो जाता है, जैसे कि फेस ऑयल हो गया। बहुत से लोग एडवाइस करते हैं कि फेस ऑयल यूज़ करिए, बट मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि फेस ऑयल आप ना यूज़ करिए तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम छेड़खानी करते हैं तो उसकी वजह से भी फेस हमारा प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और आप अपने हमेशा हाथ ना लगाए बार बार फेस पे, क्योंकि हमारा फेस इतना नाजुक इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आपके गंदे हैंड्स हैं और आप उसको फेस पे लगा रहे हैं तो उससे आपके पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अवॉइड करिए अपने हाथ को लगाने फेस पे, अगर आप लगा रहे हैं तो वॉश हैंड्स करें, और ऐसे बार बार अपने फेस को छूना नहीं है, क्योंकि हमारा फेस बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।